चोरी के शक में नाबालिग की पीट पीट कर हत्या, पड़ोसी के घर के बाहर ही गली में मिला शव। शरीर पर कई जगह चोट के निशान। 15 दिन पहले ही अपने चाचा के घर आया था किशोर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर दो लोगों को हिरासत में लिया। भलसवा डेरी इलाके के मुकंदपुर में एक 16 साल के नाबालिग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि किशोर चोरी के इरादे से घर में घुसा था, जहां राजकिशोर के परिवार ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। इसके बाद खुद कानून को ताक पर रखते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। 16 साल का राजित महज 15 दिन पहले ही बिहार के डुमरिया स्थित अपने गांव से मुकंदपुर डी ब्लॉक में रहने वाले चाचा जावेद के घर आया था। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे किशोर का शव जावेद के घर के पीछे वाली गली में पड़ा मिला। लोगों ने जब उसे देखा तो मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। परिवार का कहना है कि नाबालिग की हत्या पास के ही रहने वाले राजकिशोर नाम के व्यक्ति ने की है, जिनके घर के बाहर नाबालिग का शव मिला। इस पूरे मामले में उत्तरी पश्चिमी जिला की रेसिपी खुद मौके पर पहुंची, लेकिन मीडिया से बात करने पर वह बची हुई नजर आए और कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। मृतक के शरीर पर अंडरवियर के अलावे और कोई कपड़ा नहीं था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान है और हाथ बंधे हुए थे। उसका मोबाइल भी पड़ोसी घर पर मिला। आरोपी जिस परिवार पर है उनका कहना है कि मृतक चोरी करने आया था, जिसे रंगे हाथों पकड़ा और पिटाई की। बहरहाल पुलिस दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। इस घटना को देखते हुए सवाल यह उठता है कि अगर मृतक चोरी करने के इरादे से भी घर में घुसा था तो उसकी पीट पीट कर हत्या करने का अधिकार आरोपियों को किसने दिया? आखिरकार क्यों अब लोग खुद ही पुलिस, खुद ही कोर्ट और खुद ही सजा देने वाले बन जाते हैं? आप लोगों के ऊपर शक जता रहे हैं, क्या मामला है, आप लोगों का क्या हाथ है इसमें? मेरा तो कोई हाथ नहीं है। हाँ। भाई अगर चोरी की है, अब पकड़े गए तो पब्लिक इतना आ गई थी तो मारे लोग। अब हमने तो नहीं देखा था, हम जब आए थे तब खाली हाथ बंधा था। आपके परिवार के लोग भी थे मारने में? मेरा परिवार यहाँ पे नहीं है, मैं रिश्तेदार में से हूँ। अच्छा जी। मैं वो कहाँ, आपने कहाँ देखा था उसको चोरी करते हुए? ऊपर में मैं, क्योंकि मेरे पास ही मोबाइल मिला है छत पे से, तीसरी मंजिल पे। क्या मामला, हमें मालूम हुआ कि यहाँ लड़का मर गया। मैं ये बात कर रही हूँ सर, अगर वो गोद में बच्चा ले रखी है, अगर हम उसके बच्चे को छीन करके यहाँ फेंक दें, उसको कितना दर्द होगा दिल में? ये बात कितना दर्द होगा दिल में? वही बात है ना, बोलना था। कौन है वो आपका, किस हालात में मिला था? सर मैं, मेरा भतीजा है, मेरा बड़े भाई का लड़का है, और वो यहाँ सुबह उस घर वाले ने मार के फेंक दिया गली में। मैं सुबह, मेरे पास कॉल गया, मैं वहाँ से आया तो देखा यहाँ मरा हुआ पड़ा हुआ था। जी सर। किस हालात में था? मरे हुए थे सर, एक मार करके फेंक दिया था, नाली के बगल में फेंका हुआ था। चोट भी थी? बहुत चोट है सर, बाहर जगह से चोट है। अच्छा जी सर। अभी आपको किस पर शक, क्या मामला है, आप लोगों को कब मालूम पड़ा, किस हालात में देखा आपने? सर जब हम लोग यहाँ पे, फोन गया मेरे पास 7 बजे करीब, पता चला कि भाई आपको भतीजा मरा हुआ पड़ा है गली में। जब हम लोग आए यहाँ पे पता किए तो घर में घुसे तो घर वाले किसी लेडीज ने बताया इसको पहले अंदर मारा, अंदर मारते मारते जब उसने मर गया उसको बाहर फेंक दिया। उसने 15 दिन पहले अभी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आया हुआ था, उसने जो कभी कभी रास्ता भी भटक जाता था। अच्छा। तो घर वाले ने क्या बता रहे हैं, चोरी करने के लिए आया था हाथ पैर। हाँ। और हाथ पैर बना हुआ था उसका, पूरा पैर में खून जब ब्लड जमा हुआ है, उसका गले में पूरा दबा हुआ है, हाथ बांधे हुए जी, और बनियान फाड़ के उसने उसको दूसरा कपड़े पहना दिया गया है। क्या, क्या था, हाथ कैसे थे? ये ऐसे बना हुआ है। अच्छा। और इसके ये जो जांग है, जांग में उसका जो पूरा निशान लगा हुआ, जो पैर से मारे पैर ऐसे मुड़ा हुआ, पैर वैर सब टूटा हुआ है, यहाँ भी उसका जो की ब्लड के निशान है पूरा कटा हुआ। शक किस पर है आप लोग? शक घर वाले का है जी। नाम क्या है? लेडीज बताई, मकान मालिक का नाम नहीं मालूम, उसे बता नहीं रहे। अच्छा। दो भाई इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको पुलिस लेके गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है।